हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप सबका हमारे न्यू व्लॉग में। ना करो यार, केज खराब कर रहे। देखो नहीं खोल दूंगा अभी इसको, भागोगे नहीं फिर। एक मिनट में इसके पीछे ये खोलता हूँ। नहीं भागोगे नहीं, अब जाओ उसके पास, जाओ। अब बाकी परिंदों को भी हम खोल देते हैं, तीतर मुर्गियों को भी खोल देते हैं, लेकिन लड़ोगे नहीं आपस में, ये बात समझ लो, लड़ोगे नहीं आपस में। इसको भी अभी ये त्रिपाल हटा देते हैं। यार ये मैंने रखा है क्योंकि रात को ना पता नहीं होती कब बारिश हो जाए, तो इस वजह से ना ये हम रख देते हैं सब पे। हटो। क्या? मुर्गा आ गया है बाहर, लेकिन ये सबसे पहले मुर्गों के पास ही जाता है। हटो। ये डर रहे हैं डक से, डक भी इसके साथ ही घूम रही है, मैं दूर जाता हूँ। जाओ डक्स के पास, जाओ उधर जाओ। कुछ नहीं कहती वो, जाओ। अब ये जेब में डाल रहा है, रख दो इसको उधर, रख दो, दे मुझे दे दो ये। दे दो ये मुझे। हाँ इसको मैं इधर रखता हूँ ना, जब घर जाओगे तब साथ लेके जाना। अभी मैं इसको इधर रख देता हूँ। नहीं कहती कुछ, डक्स जा रही है उसके पास, नहीं कहता कुछ। इधर आ जाओ। वो बिल्कुल खामोश खड़ा है। आ जाओ बाकी। यार मोर को अभी हम नहीं खोलते क्योंकि उसके ना पैर हमने नहीं बांध दिए थे कल ना लेट हो गए थे हम, क्योंकि बाकी सबको खुराक दे रहे थे और कल मैं अकेला था तो हम लेट हो गए थे। तो अभी मोर के ना पैर बांधते उसके बाद हम खोलेंगे, अभी नहीं खोल सकते क्योंकि अगर अभी हम उसको खोलेंगे तो वो सीधा भाग जाएगा। एक बार ना भगाया इसने तकरीबन 30-40 मिनट हम इसके पीछे भागते रहे, लेकिन बस मुश्किल से मिल गया। अभी हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, इसको ना बाहर ऐसे नहीं खोलेंगे, पहले हम इसके पैर बांधेंगे। पर इसके बेशक खुले हो लेकिन ना उसके पैर हम लाजमी बांधेंगे, क्योंकि अगर पैर उसके खुले होंगे ना तब वो भाग जाएगा। तो पहले हम उसके पैर बांधेंगे, उसके बाद हम उसको बाहर खोलते हैं। ये देखो ये लड़ पड़ी। अब इसको हम नहीं खोल सकते क्योंकि सीधा ये दोनों आपस में लड़ेगी। इसको हम बंद रखने देते, इसको हम खुराक देने के बाद ना फिर इसको हम बंद करेंगे और इसको हम बाहर खोल देंगे। तो अभी हम मोर के पास जाते हैं। यार मोर को मैंने नहीं देखा, इसकी हालत कैसी है, ठीक है या नहीं है। तो अभी हम जाते हैं मोर के पास। पांडा आ जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम है पांडा। इधर देखो, तुम्हारा नाम है पांडा। अच्छा इधर देखो, एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? पांडा। क्या नाम है तुम्हारा? ये डर रहा है डक से, ये नहीं कहता कुछ। जाओ उसके पास, जाओ। आ जाओ मोर के पास जाते हैं। अभी हम जाते हैं यार मोर के पास। ये देखो उसने सर बाहर निकाला हुआ है। ये मोर जो है ना ये इधर से सर बाहर निकाल देता है, ये जगह नहीं है थोड़ी सी, इससे ना बार बार सर बाहर निकाल देता है। अभी इसको हम कुआ देते हैं, लेकिन मुझे देखो हम खोल देते हैं। देखो ये दरवाजे के साथ ही खड़ा है। नहीं, बाहर नहीं आओगे, इधर ही रहो, पहले हम तुम्हारे पैर बांधेंगे। वो देखो हमने बांध दिए थे लेकिन इसने ना रस्सी तोड़ दी पता नहीं कैसे। अभी ना इसके हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसके लिए हम इधर ही खुराक ले जाएंगे। पैर बांधने के बाद ही हम इसको बाहर निकालते हैं। यार मेरा ख्याल है कि हम कबूतर के लिए इधर ही जगह बनाते। वो वाला केज जो है यार वो मेरे ख्याल से कबूतर के लिए नहीं है सही,
मेरा ख्याल है कि हम कबूतर के लिए इधर जगह बनाएं, क्योंकि फिर मोर बेचारा भी बोर नहीं होगा ना, उसके साथ भी कुछ ना कुछ होगा इधर। और नहीं, ये जगह भी ठीक है कबूतर के लिए, वो वाली केज जो है ना वो थोड़ी छोटी है, उसमें कबूतर नहीं रह पाएगी। ना जाओ ना जाओ, उसके पास ना जाओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ। अभी ना हम सिर्फ मोर की हालत चेक करने के लिए आ गए थे, क्योंकि इसको हम बाहर नहीं खोल सकते। आ जाओ बाहर, आ जाओ। ये दरवाजा ऐसे ही बंद है, ये दरवाजे की हालत ना काफी खराब है। ये दरवाजे की हालत यार काफी खराब है। ये देखो, ये सब मेरे पास खड़े, क्योंकि ना सबको भूख लगी हुई है। तो अभी सबसे पहले मैं इनके लिए लेके आता हूँ खुराक। अभी नहीं, ये लगी यार पौधा खराब करने, इनके लिए अभी हम खुराक लेके आते हैं जल्दी, वरना ये पौधे खराब कर देंगे। मैं लेके आता हूँ इनके लिए खुराक। तो अभी मैं खुराक इनके लिए लेके आ गया हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ प्याज ही लेके आया हूँ, क्योंकि ना जो जो प्याज खाएंगे उसको हम प्याज दे देंगे, और बाकियों के लिए रोटी भी आ रही है, वो फिर मैं बाद में लेके आऊँगा। और आटा भी पहले ना प्याज खिलाने देते हैं इनको, क्योंकि ज़्यादातर हमारी मुर्गियाँ ना प्याज ही खाती है। ये तीतर मुर्गियाँ भी प्याज खाती है, और ये वाइट वाली मुर्गी जो है ना ये भी प्याज खाती है। तो पहले इनको प्याज देते हैं जो प्याज खाती है, और बाकियों के लिए हम इस मुर्गे के लिए भी हम आटा लेके आते हैं, और वो वाली जो मुर्गे ना उसके लिए भी हम आटा लेके आते हैं। लेकिन पहले ना इन सबको प्याज देते हैं, वरना ये पौधे ख़राब कर देंगे, ये पौधे ख़राब करने पे लगे। इधर आ जाओ। तो अभी ना यार थोड़ी बहुत प्याज रेडी हो चुकी है, वो हम देते हैं तीतर मुर्गियों को, क्योंकि वो तंग कर रही है, वो पौधे खा रही है। और उस वाली वाइट मुर्गे को हमने बंद कर दिया, क्योंकि ये इसके साथ लड़ रही थी, तो इस वजह से मजबूरन हमने उसको बंद करना पड़ा। अभी जो ये फिर से देखो यार, इन मुर्गे को भी हमने बंद करना पड़ेगा। अभी तीतर मुर्गे को पहले हम प्याज रखते हैं उसके लिए, क्योंकि ना वो पौधे ख़राब कर रही है। तो अभी ये जो है ना वो हम पहले रखते हैं उसके लिए, फिर बाद में हम बाकी मुर्गे को भी दें। तो ना साइड पे हटो यार, तुम्हारे लिए हम आटा लेके आएंगे, तुम ना प्याज की आदत ना डालो। ये हम रखते हैं इसके लिए इधर, लेकिन वो आएगा देखो, इधर आ जाओ। तुम्हें ना हम बंद करते हैं, वो लगी है प्याज खाने, उनको ये प्याज खाने देते हैं। और वो वाले जो कटोरा है ना, इसमें हम प्याज तैयार करते हैं इस वाली मुर्गे के लिए। अभी डक्स जो है ना वो भी काफ़ी भूखे हैं, लेकिन ये प्याज खाती नहीं, इसके लिए हम रोटी लेके आएंगे। तो कॉकटेल को भी नहीं लेके आए हम अभी तक, क्योंकि ना अभी सर्दी है, तो इस वजह से हम कॉकटेल को भी नहीं लेके आए। तो कल इंशाल्लाह हम लेके आएंगे, अभी ना मौसम थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि ये केज जो है ना ये चारों तरफ से बिल्कुल मतलब जाली लगी हुई है, सर्दी अंदर आ सकती है। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम ना कॉकटेल को उधर घर पे लेके जाते हैं, और जब मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाए उसके बाद हम लेके आएंगे कॉकटेल को इधर, क्योंकि ना रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो आज का दिन ना काफ़ी ठंडा गुजरा। तो इस वजह से मैं आज के दिन नहीं लेके आया कॉकटेल को इधर, क्योंकि मुझे लगा वो बीमार हो जाएगी। ये केज जो है ना ये चारों तरफ से जाली लगी हुई है, तो लाजमी बात है यार कि सर्दी इनको लगेगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इनको ना घर लेके जाएंगे, और कल जब मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाए उसके बाद हम लेके आएंगे उसको इधर। तो कल ना एक और बात, हम ना मोर के पैर भी लाजमी बांधेंगे, आज का दिन भी बेचारा पूरा दिन ये कमरे के अंदर रहा। अच्छा यार मौसम सही है, तंग नहीं होगा वो उधर, लेकिन ये बुरी बात है यार सारा दिन उसको कमरे के अंदर बांध रखना। कल इंशाल्लाह हम उसके पैर बांधेंगे, और फिर उसके बाद हम उसको बाहर छोड़ेंगे लाजमी, क्योंकि आज का दिन वो सारा दिन कमरे के अंदर ही रहा। कल इंशाल्लाह यार एक बात और, इस मोर को ना मेरा ख्याल है कि हम इसको सेल कर दें, क्योंकि ना जब भी हम इसको खोलते हैं ये सीधा, ये दीवार है जो देख रहे हो आप लोग, ये सीधा इस पे चढ़ जाता है और भागने की कोशिश करता है। तो इस वजह से यार मैंने सोचा कि इसको सेल कर देंगे। फीमेल अभी हम इसके लिए लेके आ नहीं सकते, और बेचारे को हम बंद भी नहीं रख सकते पूरा दिन। तो इस वजह से यार मैंने सोचा कि इसको हम सेल करते हैं, और इसके बदले हम कोई और भी बर्ड लेके आएंगे इसके बदले। तो सोचते हैं यार, अगर या तो हम फीमेल का बंदोबस्त करेंगे इसके लिए, या फिर इसको हम सेल कर देंगे और इसके बदले हम लेके आएंगे और परिंदे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, और हमारे चैनल प्यारा बर्डिस्तान को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इन दोनों में से इन कौन करेगा देखते हैं।